अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शफीक और आप देख रहे हैं अर्न विद शफीक। दोस्तों, आज जिस कॉइन के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं, उसको चंद यानी कि दिन कह लें या हफ्ते कह लें, बिनांस एक्सचेंज ने उसको लॉन्च पैड के ज़रिए अपने एक्सचेंज पर लिस्ट किया था और काफ़ी ज़्यादा उसकी हाइप क्रिएट हो गई थी और वो स्पाइक हो गया था। कॉइन इतना अप हो गया था कि लोग हैरान हो गए थे, वो सेंटों में भी नहीं था और अचानक जैसे ही बिनांस में लिस्टेड हुआ तो वो कॉइन हाइप क्रिएट हो गई उसकी और वो कॉइन बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया। उस कॉइन के बारे में आज हम बात करेंगे, वो कॉइन कौन सा था। अब वो इतना डाउन आ चुका है कि मैंने सोचा चलें उसके बारे में वीडियो भी बना दें, आपकी नज़र शायद ना पड़ रही हो। और वो अपने ऑल टाइम लो उसने कल लगाया है 17/12/2022 को और अभी भी अपने लो के करीब है ऑल टाइम के, और इसलिए मैंने सोचा वीडियो बनाऊं और आपको आगाही दूं वो कॉइन कौन सा है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम सीधा उस कॉइन के नाम की तरफ, प्राइस प्रिडिक्शन की तरफ चलते हैं। बल्कि आपको मैं बताता चलूँ इस वीडियो में, मैं आपको मार्केट के बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि मार्केट आज के दिन साइडवे रहेगी क्योंकि वीकेंड है। कल इस टाइम से मार्केट यानी कि शाम के टाइम से मार्केट काफ़ी अप जाना शुरू हो जाएगी या डाउन आना शुरू हो जाएगी, एक काम होगा। लेकिन मेरे नज़दीक अभी थोड़ा सा डिप लगाएगी मार्केट, उसके बाद मार्केट, जैसे कि मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में भी कहता आ रहा हूं कि $14,000 तक BTC आ सकता है, ये बात आपने माइंड में रखनी है। बड़ी एहतियात से ट्रेडिंग करनी है, फ्यूचर ट्रेडिंग तो करनी नहीं है, स्पॉट ट्रेडिंग किया करें। अगर फ्यूचर ट्रेडिंग में आप ट्रेड को कर लेते हैं तो फिर आप फौरी जितना भी प्रॉफिट मिल रहा हो आप उसको लेकर साइड पे हो सकते हैं। तो ऐसे अफराद चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए आपको उस कॉइन का नाम बताएं। उस कॉइन का नाम है HFT हैश फ्लो, उस कॉइन का नाम है ये। हम इसके बारे में आज डिटेल से बात करेंगे। ये वो कॉइन था जिसको बाइनांस ने चंद महीने पहले लॉन्च पैड के ज़रिए अपने उसमें किया था, लिस्ट किया था। ये देखिए 1 ईयर लो, ये कल इसने लो लगाया 34 सेंट और हाई इसने एक माह पहले होगा आई थिंक इसका हाई, देख लेते हैं नीचे जाके, हाई $28 से भी ऊपर आपको नज़र आ रहा है, ऑडिट इसका हुआ है। बाकी आप इनकी वेबसाइट भी जाकर चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, इनकी कम्युनिटी भी अच्छी है। 1,72,000 1,72 मिलियन जो है ना इसकी सप्लाई है सर्कुलेटिंग, तो इसने ज़्यादा नहीं है। मार्केट्स की मैं अगर बात करें तो बाइनांस में भी अवेलेबल है, कॉइन बेस में भी अवेलेबल है, KU कॉइन में भी, क्राकन और गेट डॉट और यानी कि बड़े बड़े दुनिया के एक्सचेंज हैं उनमें ये अवेलेबल है, आपको ईजीली मिल जाएगा अगर आपने इसमें एंट्री डालनी हो तो। ये कॉइन अगर हम कैंडल थोड़ा सा चार्ट देखते हैं कैंडल का, तो कैंडल्स हमें क्या बता रही हैं कि ये कितना अप गया था Day 1 में। ये देख सकते हैं जैसे ही लिस्ट हुआ था, ये देखें ये लिस्ट हुआ था 7 नवंबर को, 7 नवंबर 2022 को बिनांस में ये आया और इसने यहाँ तो ट्रेडिंग में तो बहुत ज़्यादा अप नज़र आ रहा है लेकिन ऐसे होता नहीं है, तो बहुत ज़्यादा अप गया और उसके बाद ये मुसलसल डाउन है। जैसे कि कॉइन्स करते हैं, जैसे वो जिस दिन लिस्ट होते हैं किसी भी एक्सचेंज में तो बहुत ज़्यादा 100 के हिसाब से वो अप जा चुके होते हैं और लोग जब एंट्री डालते हैं वो फिर वो डाउन आना शुरू हो जाते हैं। अभी ये अपनी बिल्कुल लो लेवल पर मौजूद है, आप इसको यहाँ बाय करके रख, मैं एक तस्वीर में आपको दिखा देता हूँ, मैंने स्क्रीनशॉट लिया, ये देखें HFT बिनांस USD में आप देख सकते हैं ये कितना डाउन आया है। सही है, ये देखें ये कितना डाउन आया है और ये इसकी अच्छी एंट्री बनती है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये 35-36 सेंट के करीब इस टाइम मौजूद है और अब ये आपको 2x 3x तो इजीली देकर जा सकता है। $1 ये एक माह में भी अप जा सकता है क्योंकि मार्केट अभी डाउन है और डाउन मार्केट में भी इतना डाउन नहीं आया, ये अप जाएगा। और थोड़ी सी मार्केट ऊपर आई, बिटकॉइन जैसे ही 20,000 को टच किया, इस ये कॉइन आपको HFT आपको $1 पर ईजिली नज़र आएगा। तो इसलिए आपने अगर एंट्री डालनी है तो सोच विचार करके, मज़ीद अगर डाउन नज़र आए तो और ज़्यादा गुड होगा आपके लिए, लेकिन ये भी अच्छा पॉइंट है। पहला पॉइंट 35-36 सेंट एक अच्छा पॉइंट है, फिर 30 सेंट आप लगा लें, फिर 26 सेंट लगा लें, फिर 20 तक, ऐसे जैसे जैसे नीचे जाता जाए आपने DCA करके डॉलर कॉस्ट एवरेज करके आपने इसको बाय करते जाना है और ये आपको ज़रूर प्रॉफिट देकर जाएगा। आज जो कि मैं आपको बता रहा हूँ आज की डेट भी आप नोट कर लें, 18/12 यानी कि 12/18/2022
22, ये डेट नोट कर लें और इसकी प्राइस भी आप नोट करके रख लें, बेशक तस्वीर लेकर रख लें। ये आने वाले 1 से 2 मंथ में आपको अच्छा गेन कर देकर जा सकता है अगर आप इसमें अपनी एंट्री डालते हैं। और $100 की इन्वेस्टमेंट करनी है तो 4-5 एंट्रीज 20-20 डॉलर की आप डाल लें तो वेल एंड गुड होगा मुख्तलिफ प्राइसेस पर। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा नीचे इसका स्टैटिस्टिक्स हम देख लेते हैं। ये देख सकते हैं आप कि आल टाइम इसका हाई 7 नवंबर 2022 को इसने आल टाइम हाई $2.5 से ऊपर लगाया, और कल ये देखें 17 दिसंबर को एक दिन पहले इसने 34 सेंट इसने लो लगाया, अभी भी उसके करीब करीब है। तो ये एक अच्छा एंट्री पॉइंट था। इस तस्वीर में भी आप देख सकते हैं कि अच्छा एंट्री पॉइंट है, इसने ऊपर जाना है, आप इसको बाय कर रख सकते हैं। ये थी आज की प्राइस प्रेडिक्शन HFT यानी कि हैश फ्लो के बारे में। आपने अगर एंट्री करनी है, अपने पैसा डालना है, तो अपने रिस्क पर कीजिएगा। मैं आपके किसी प्रॉफिट और लॉस का कोई जिम्मेदार नहीं होगा। मैं अपनी प्रिडक्शन दे रहा हूं कि ये ऊपर जाएगा, ये नीचे भी आ सकता है, मेरी प्रिडक्शन सही भी हो सकती है, मेरी प्रिडक्शन गलत भी हो सकती है। इसलिए आपने खुद जो है वो इसको करना है, रिसर्च करके फिर आपने पैसा इसमें इन्वेस्ट करना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।